घोंसा के रेफारी फलिया में बैकवाटर से डूबे तीन मकान, अनाज व गृहस्थी का सामान भी डूबा। रिश्तेदारों में जाकर रहते हैं लोग। पिछले दिनों क्षेत्र में हुई अधिक बारिश से पाटी विकासखंड की ग्राम पंचायत रोसर के घोंसा गांव के रेफाड़ी फलिया में नर्मदा नदी के बैक वाटर से तीन मकान डूब गए हैं। मकान के चारों ओर नर्मदा नदी का बैक वाटर घुसने से जलमग्न हो गया है। वहीं घोंसा में ही नर्मदा नदी के समीप बने नर्मदा गिरी पिता लखन गिरी जूना अखाड़ा आश्रम भी डूब गया है। पुराना आश्रम तो पहले ही डूब गया था, अब नया आश्रम भी डूब गया है। साथ ही आश्रम के आसपास बना बगीचा व नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनाए गए टीन सेट भी डूब गए हैं। आश्रम भी जलमग्न हो गया है। इसके अलावा ग्राम बोरखड़ी के रोहनिया फलिया में भी नर्मदा नदी के बैक वाटर आने से कई घर डूब गए हैं। यहाँ के लोग अन्य लोगों के घर में जाकर रहते हैं। रेफारी फलिया घोंसा निवासी थान सिंह ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे जानकारी देते हुए बताया कि नर्मदा के बैक वाटर से मेरा मकान डूब गया है। घर में रखा अनाज व गृहस्थी का सामान भी डूबा है। हजार रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन से कोई राहत अभी तक नहीं पहुंची है। पीड़ित पांडे राव ने बताया कि नर्मदा का पानी तेजी से बढ़ने के कारण घर में अचानक पानी आ गया। घर से भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कई कच्चे मकान भी गिर गए। यहाँ पर टापू बन गया है। गांव के पीड़ित ज्ञान सिंह ने बताया कि गुजरात के सरदार सरोवर बांध भरने से गांव के कई क्षेत्र डूब रहे हैं। लगातार बढ़ते बैक वाटर के कारण गांव में भय बना हुआ है। घर बैक वाटर में डूब गए हैं, इसलिए अन्य लोगों के घरों में जाकर दिन निकाल रहे हैं। फलिया के निवासी घर छोड़कर अन्य जगह जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डूब प्रभावित क्षेत्र के सर्वे से अधिक बैक वाटर भर गया है। उन्होंने बताया कि डूब क्षेत्र के लिए जब सर्वे हुआ था उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर मकान बनाकर रहते हैं, बावजूद बैक वाटर का पानी वहां पर पहुंच गया है। वहीं बगला फलिया के किसान थान सिंह सोना दरिया सोना निमड़िया सुरसिंह हजारिया कैलाश गेंदिया भाया डोंगर सिंह मयाराम बीना के जवार बाजरा मक्का मूंग चवले और मूंगफली की फसलें बैक वाटर में डूब गई है। हर वर्ष इसी फसलों से किसान अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष वो पूरी तरह खराब हो गई है। उप सरपंच राजाराम सोलंकी ने बताया कि बंगला फलिया में घोंसा में संचालित प्राथमिक विद्यालय जाने का रास्ता भी बंद हो गया है, जिससे अभी भी स्कूल बंद है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरपंच रघु डावर उप सरपंच राजाराम ने रेफारी व बंगला फलिया पहुंचकर किसानों से बैक वाटर के कारण हुए नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही अधिकारियों को भी इसकी जानकारी देकर अवगत कराया। उनका कहना है कि अभी तक किसी अधिकारी वहां पर सर्वे करने के लिए नहीं पहुंचे। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचकर सर्वे कर और शासन द्वारा उचित मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। थान सिंह, ये जुवार बाजरा बहुत नुकसान हो गया। अभी ये नुकसान हो गया तभी का ही खाएंगे वहाँ से। सर्वे नीचे होती नी अभी ये ऊपर आ गया। बहुत समझ लो 10-15 किलोमीटर फीट ऊपर आ गया। अभी कोई नहीं आया, कहीं नहीं बोले आ गया नी रात के टाइम में। इसलिए हमने ये मकान बना दिया कि अचानक रात में आ गया तो हम जान बचा के बह गए और दूसरा सामान पूरा बह गया।